तो गाइस जैसा कि आपको पता है हमने अपनी बाइक पुरानी सेल कर दी है, आज हम अपनी नई बाइक लेने जा रहे हैं। नई नहीं, एक्चुअली पुरानी है, और आपको वीडियो में आगे पता लगेगा कि हम कौन सी बाइक ले रहे हैं, और वही रहेगी आगे की राइडिंग के लिए। आज हमने उसको विदाई कर ही दी है, एक्चुअली कल बिक गई थी तो कल ही चली गई थी वो, तो आज देखते हैं कौन सी बाइक हमको मिलती है। कौन सी एक्चुअली बात हो चुकी है, सिर्फ लेके आनी है, और वीडियो बाइक कौन सी है ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा, वहीं पे जाके आपको पता लगेगा। अभी एक्चुअली हम मेट्रो में, ये है शिव विहार मेट्रो से हम एक्चुअली ड्यूटी से और इधर से इधर ही चल रहे हैं, इसलिए आपको देखा होगा यूनिफॉर्म में ही है हम। और यहाँ से शिव विहार से चलेंगे हम पालम। एक्चुअली बीवी भी वहीं से मिली थी और बाइक भी मेरे को वहीं से मिलती है। इससे पहले जो अपाची ली थी वो भी बाइक मैंने पालम से ली थी, जो उससे पहले फोनिक्स ली थी वो भी मैंने पालम से ली थी, वाइप जो मिली वो भी पालम से मिली, अभी जो बाइक लेने जा रहे वो भी पालम से मिलेगी। तो भैया मेरी ज़िंदगी में महत्व है, सबसे बड़ा महत्व रहा है पालम वालों का। तो चलते आगे, हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि कैसी कैसी बाइक रहेगी हमारी, और मिलेंगे आपको पालम ही मिलेंगे शायद। एकदम ताजो सिस्टम था, तो ये ले ली गाड़ी। चल तो गाइस ये है हमारी बाइक जो हमने ली है, एवेंजर 150, एकदम न्यू कंडीशन में भाई, और चली हुई मात्र 7200 रुपये, वो 7400 किलोमीटर। ये किसी सरकारी उसके हेल्थ इंस्पेक्टर था, उनके घर पे खड़ी थी काफ़ी दिनों से, बस इसका निकलवा के इंजन ऑयल चेंज करवाया, क्योंकि सर्विस करवा के उन्हें खड़ी कर रखी थी। इंश्योरेंस हर साल एक्टिव करते थे, और अभी कुछ इस प्रकार से, लेकिन देखने में भाई एक नंबर। अभी धुलवा के लेके आ रहे हैं, अभी हम पालम ही है, रात हो नहीं पाई है, रात यह रहेगी कागजों के चक्कर में, वेबसाइट चल नहीं रही थी, नाम होने में दिक्कत हुई, तो हमने फिर इसको रात में हम यहीं रुक गए ससुराल में, आज इसको लेके चल रहे हैं, इसको धुलवा रहे हैं। लेकिन पेंट वेंट एक नंबर भाई, सब गाड़ी का न्यू जैसा पेंट है बिल्कुल, कहीं स्क्रैच विस्क्रैच कुछ नहीं। अभी वो अगला उसमें एजेंसी में करवाओ, हर चीज़ सर्विस एजेंसी में होती थी, और बस खड़ी थी, बस वेस्ट होती भाई, बहुत बाइक के स्कूटर दुनिया भर की थी उनके, तो ये खड़ी थी। चलो अब देखते हैं इसका रिव्यू, अब आज से ही चले करेगी ट्रिप पे। तो गाइस फाइनली ये आ चुकी है हमारी एवेंजर, अब देख सकते हैं भाई गाड़ी एक नंबर की, चलाने में भी एकदम मस्त लगी है, और वैसे भी एकदम न्यू पेटी पैक गाड़ी मिल गई है। और देखा जाए ओनली 7400 किलोमीटर चली हुई है, 70 किलोमीटर हमने ही पेली आज इसको, बाकी हर तरह से परफेक्ट भाई, पेंटिंग वेंटिंग नॉन स्क्रैचबल गाड़ी। एक हेल्थ इंस्पेक्टर था मेरी ससुराल में ही, वहाँ पे नसीरपुर में, तो वहाँ से एक उसको उससे मिली है ये, और उनकी काफ़ी दिनों से खड़ी थी, एक्चुअली वे खड़ी रखते थे, लेकिन इंश्योरेंस हर साल उसका करवाते रहते थे, और अब हमने ले ली है, हमने देखा इसका बढ़िया चलाने का, एक्चुअली उसके हिसाब से अपाची के हिसाब से थोड़ा सा इसकी ड्राइविंग अलग है, क्योंकि उसका पैंडल यहाँ पड़ता था, इसका यहाँ पड़ता है, थोड़ा सा एक दो बार के मैं एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी इसको थोड़ा आगे चला के साउंड सुनाता हूँ मैं आपको। आगे से यही राइडिंग पे हर जगह यही दिखेगी आपको, और कैसी लगी हमारी बाइक कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपका एक्सपीरियंस है एवेंजर का तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इसकी क्या खूबियाँ है और क्या इसकी अच्छाई है। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम लिए एवेंजर, मेरे को पहले कभी पसंद भी नहीं थी, लेकिन अभी देखा कि बस गाड़ी थोड़ा अच्छी मिल रही थी तो हमें ले ली, और थोड़ा
हमारे बजट में भी थी, और मैंने गाड़ी न्यू कंडीशन में एकदम उसके पास खड़ी हुई थी तो उसने हमें दी, और वैसे भी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली ट्रिप हमारी कहाँ की हो। एक्चुअली मनाली ट्रिप अभी कंप्लीट की है, शिमला ट्रिप हो गई, अब नेक्स्ट ट्रिप हमारी कहाँ की हो, और नेक्स्ट मंथ ही हम प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ही जाने का। तो थैंक्स वॉचिंग।